सो हेलो गाइस, आज की हमारी स्टोरी फ्रैंकलिन पे है। तो फ्रैंकलिन को एक लड़की पसंद आ चुकी है गाइस। तो इसको लड़की पटानी है, इसके पास ना तो पैसा है और ना तो इसके पास गाड़ी है। तो ऊपर से वो लड़की जो काम भी एक बार में करती है, तो अभी इसको एक गाड़ी चाहिए पहले और फिर इसको थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए रहेगा शायद से। तो अभी फ़िलहाल ये गाइस, इसको इसके फ्रेंड ने बताया था कि एक अमेरिकन बॉस है जो इस कार स्टेशन पर आता है डेली। तो उसका एक तो हिस्सा इस कार स्टेशन में है और ऊपर से मतलब आज उसकी कुछ मीटिंग थी तो वो अपने बंदों के साथ आया हुआ है इस यहाँ पे। इसको फ्रैंकलिन को ये खबर मिली है इसके जासूस के थ्रू, तो और इसका एक फ्रेंड है उसने भी सेम ही बताया इसे। तो गाइज आज ये फ्रैंकलिन को वो गाड़ी चुरानी है किसी भी तरीके से। जो अमेरिकन बॉस यहाँ पे आया रहेगा होगा तो उसकी जो गाड़ी है उसको चुरा के फिर वो क्लब में जा रहा है गाइज। तो देखते हैं कि ये कैसे गाड़ी चुराता है एंड कैसे वहाँ तक जाता है गाइज। गाइज इसके पास सिर्फ एक गन है तो इसको उस बड़े ध्यान से खुद नहीं मरना है एंड उसको मारना है। एंड आप बाकी आप इसके सूट वूट तो देख सकते हो, ये रेडी हो गया है पूरा फाइट के लिए गाइस। देखो गाइस, अब वो देखो वो जो अमेरिकन बॉस है अपने दो बंदों के साथ खड़ा है। अब उसको नहीं पता हमारे बारे में, जल्दी से रोड क्रॉस कर लेते हो भाई, कोई भाग करना पड़ेगा। अभी देखो गाइस, उसके दो बंदे इसके साथ खड़े हैं सिक्योरिटी एंड वो उसकी फ़ोन पे कुछ बातचीत कर रहा है वो। तो हमारे पास सही टाइम है, जितना टाइम वो बिजी है देखो उसको कॉल पे कॉल आ रहा है। तो लेकिन बात ये है कि उनके बंदे के पास गन्स बहुत खतरनाक है। अरे भाई भाई भाई, ये पुलिस वाले को क्या हो गया भाई? जीसस भाई, ये पुलिस वाला तो कतई सीरियस है भाई। मुझे लगता है ये पुलिस वाले को जाने देते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं। अंदा यार, ये शहर की पुलिस भी बहुत खतरनाक है भाई, अभी मेरे को मरवा देती पुलिस। अरे अरे भाई, गन बीच में डाल दे भाई, उसके बंदे कहीं देख रहे भाई। उनके पास गन्स देख रहे हो गाइस, कितनी खतरनाक है। तो पहले तो मुझे बड़े ध्यान से इनको मारना है गाइस, उनके ना पता चलने से पहले। मैं तो कह रहा हूँ उनको मार देता हूँ मैं। You happy now? बॉस भाग रहा है उनका। अरे बॉस भाग रहा है। अरे यार बॉस भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। भाई फाइनली बॉस को मार दिया गाइस। तो चलो गाइस, ये तो हुआ फिनिश, इनकी गन उठा लेता हूँ। नाइस गाइस, इनकी गन्स मिल चुकी है हमें भाई। कितनी खतरनाक गन्स रखी हुई थी भाई। ओ भाई भाई, इसने तो स्नाइपर रखी हुई थी गाइस, 6 गोलियां लेकिन इसमें। चलो कोई बात नहीं गाइस, चलो अब इसका काम है, इसको जाना है वो क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड को मिल ले। मतलब इसके पास अभी गाड़ी तो है उस बॉस की गाइस, गाड़ी देख रहे हो भाई, जो कि सेक्सी गाड़ी है। मतलब ऐसी गाड़ी भाई ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलती है गाइस। चलो गाइस, गाड़ी तो इसको मिल चुकी है तो अब इसको सीधा क्लब में जाना है। अपनी जो इसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, इसको बनानी है अभी फ़िलहाल। देखते हैं ये क्या करता है वहाँ पर जाके एंड इसको कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो चलो गाइस, चलते सीधा क्लब पर। भाई बहुत महंगी गाड़ी है, बड़े ध्यान से लेके जानी पड़ेगी, टूट के गाड़ी तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। फिर वो लड़की भी बोलेगी किसकी टूटी हुई गाड़ी लेके आए हो भाई, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी चुराई है इसने और ऊपर से पैसा इसकी जेब में नहीं है। अभी देखते हैं फ्रैंकलिन क्या करता है गाइस वहाँ पे जाके। तो गाइस ये क्लब का रास्ता है। तो गाइस अभी तो टाइम है, क्लब खाली खाली से लग रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी गाइस देखते हैं क्या चल रहा है क्लब में। तो चलो गाइस, हम सीधा चलते हैं अब क्लब के अंदर एंड देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है एंड क्या सीन है अंदर का। एंड अपनी जो फ्रैंकलिन को जो बंदी पसंद है उस बंदी से मिलवाते हैं, देखते हैं फ्रैंकलिन की बंदी क्या कर रही है। मुझे लगता है पहले हमें एक पैक चेक लगा लेना चाहिए गाइस। गाइस देख रहे हो, सिर्फ $100 बचा है मेरे बंदे के पास, तो अभी वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है समझ रहे हो, एक दो पैक लगा लेना तो उसके बाद बंदा अच्छे से बात कर सकता है। अभी इसको एक पैक और लगा लेना चाहिए क्योंकि इसको उतना से रूट नहीं हुआ है समझ रहे हो। दो पैक्स में ये थोड़ा सा हिल गया गाइस। चलो बस करते हैं, अब सीधा लड़की के पास चलते हैं, देखते हैं फिर ये लड़की से क्या बात करता है। ये बार्टेंडर बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बड़ी घूर रही है भाई, इसको इसके इरादे नहीं पी रहे।
मॉब है, यहाँ पे तो कतई खूबसूरत नजारे हैं गाइस यहाँ चारों तरफ। अरे इसकी गर्लफ्रेंड ये है ओ। सो गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन हमारा बात कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से, लेकिन उसका ध्यान उसके गर्लफ्रेंड कर देख रहे हो नखरे। तो गाइस ये उसे बात तो कर रहा है, अभी पता नहीं वो मानेगी कि नहीं मानेगी, देखते हैं अभी क्या बनता है क्या नहीं बनता है। फ्रैंकलिन ने बात कर ली इसे एंड ये लड़की इस पे डेट पे जाने के लिए रेडी हो चुकी है, तो फ्रैंकलिन इसको डेट पे लेके जाएगा। चलो आ जाओ, आ तो रही है लड़की गाइस, लेकिन लड़की चाहती है कि खुला खर्चा हो, इसको खाने पीने के लिए, इसको खिलाए पिलाए, इसको घुमाए फिराए, तो लड़की ये सब चाहती है। तो देखते हैं अब ये लड़की को कहाँ लेके जाता है एंड कैसे इम्प्रेस कर पाता है गाइस। तो इसकी गाड़ी तो अभी तक बड़ी सेक्सी मिली है इसको, लेकिन अभी देखते हैं ये लड़की को बटा पाता है कि नहीं बटा पाता गाइस। भाई आराम से। तो गाइस अभी ये उसको मूवी दिखाने लेके जा रहा है, क्योंकि मूवी दिखाना इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा इसको एंड वहाँ पे इसको मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं करेगा एंड इसका मतलब सब सेटिंग हो जाएगा। अभी देखते हैं, तो इसकी फर्स्ट डेट है एंड अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जा रहा है एंड ये जा रहा है सीधा मूवी थिएटर में गाइस। चलेगा गाइस इस फिलहाल तो ये मूवी देखने हैं। अरे भाई गाड़ी ठोक दी भाई इसने मेरी। हेलो, सही है भाई, भाई इतनी महंगी गाड़ी है भाई, पागल बंदे भाई, देख रहे हो जो अमीर बंदे की गाड़ी से चलते हैं। चलो भाई सीधा मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद फिर देखते हैं क्या बनता है। आ जाओ तो चलो चलते हैं। वेलकम टू द सिनेमा, नो मोबाइल फोन्स, no talking or toddlers, and please be considerate to your fellow moviegoers, no masturbating. Oh, bhai. Now sit back and enjoy the show. Antoine, réveille-toi, réveille-toi! Pourquoi est-ce que tu dors? Comment peux-tu dormir? No estaba dormido, estaba durmiendo, pero despierto. Ta femme doit être remarquable. Ces rêves que tu as à la fois éveillé et endormi. Mais tu n'es qu'un simple voleur. La guerra me hizo una puta. Y a ti una ladrona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Freud ha beaucoup d'explications à donner. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde estás? Muéstrate. Antoine, ¿de quoi parles-tu? S'il te plaît, Antoine. S'il te plaît. ¿Esa voz? Tu parles de moi. Sí, tú. María, ¿tú la escuchaste? ¿Quién era? Antoine, qu'est-ce qui te prend ces temps-ci? Depuis la mort de Luigi, tu n'es plus toi-même. Si tú lo dices, querida mía. Si te hace feliz, y así lo dices. J'ai marié un voleur, un bon, honnête voleur qui connaissait sa place dans la vie. Maintenant, ben maintenant, je suis coincée avec un hermaphrodite. Guys, ये मुझे बहुत खतरनाक मूवी लग रही है, डरावनी। तो भाई 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 इसकी आंखें देख रहे थे कितनी खतरनाक थी भाई। Une créature qui ne sait plus s'il est un homme ou une femme. Quel est le mensonge et quelle est la moitié de la vérité? Pourquoi les choses doivent être aussi simples mais continuellement compliquées avec toi, Antoine?
Sí, María, contigo las cosas no son tan complicadas. El carnicero viene y abre las piernas. La policía viene a detenerme y abre las piernas. El cura viene para confesar. De nuevo, sabemos dónde acaba. ये बहुत लंबी मूवी है तो इस मूवी को जल्दी से देख के फ्रैंकलिन खत्म करें एंड अरे अरे ये सब खुश है भाई ये सपना देख रहे हैं भाई ये तो गाइस इससे अब जो फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड है वो थोड़ा सा बोर हो गई है मूवी देख के तो वो बोल रही है जो आधी बची मूवी है वो अगली बार देख लेंगे फिर किसी दिन अभी उसको थोड़ा सा काम पड़ तो हम इसका आगे का पार्ट करें una esposa sin fe. Tienes una forma de hablar muy ambigua. तो इन्होंने मूवी देख ली है गाइस तो मूवी देखने के बाद अब ये बाहर आ चुके हैं अब इनको इसकी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ के आना है तो गाइस इसकी गाड़ी को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ लेकिन ठोक दी थी उसने हल्का फुल्का डेंट है ये तो उतना बहुत दिखाई नहीं दे रहा कितने क्लोज से गाड़ी निकाल रहे हैं भाई ये इतने पास से कौन गाड़ी निकालता है तो चलो गाइस ये अब इसके अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ के आएगा अच्छा ये बिल्डिंग में रहती है ये लड़की वाह सही है चलो गाइस ये लड़की को छोड़ देते हैं इसके घर पे रूम तक छोड़ के आता हूं गाइस चलो कोई बात नहीं रूम तक छोड़ देता हूं उसको आ जा सो गाइस फ्रैंकलिन ने वो लड़की को डेट पे भी ले गया एंड उसको घर भी छोड़ दिया उसको पिक भी कर लिया ड्रॉप भी कर लिया सब हो गया गाइस तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसको पहले तो थोड़ा पैसा चाहिए पैसा कमाने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा घुमाने फिराने लेके जा सकता है एंड उसके बाद ही जाके उसकी मतलब सेटिंग अच्छे से हो पाएगी लेकिन अभी वो फिलहाल दोस्त हैं अच्छे एंड उनकी बातचीत हो रही है एक दूसरे पर फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो अभी देखते हैं जब नेक्स्ट वो डेट पर बुलाते हैं जाते हैं डेट पे तो देखते हैं तब तक फ्रैंकलिन के पास क्या होता है क्या नहीं होता है बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेक केयर